यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, हिंदी में आज हम एक व्याकरण का टॉपिक नया शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संज्ञा। ये आपकी बुक में नहीं है, क्योंकि ये ग्रामर का, व्याकरण का एक टॉपिक है। ये करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम एक एक टॉपिक व्याकरण का करेंगे। जैसे आज हम संज्ञा कर रहे हैं, फिर हम सर्वनाम करेंगे, फिर विशेषण करेंगे। तो संज्ञा क्या होता है, किसे संज्ञा बोलते हैं, हम ध्यान से सुनना है सभी बच्चों ने। आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा को मैं आपको पहले बता दूं कि इंग्लिश में हम संज्ञा को नाउन बोलते हैं। नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स। नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं। जितनी भी चीज़ों के नाम हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग, वो सारे क्या हैं? नाउन हैं। पर्सन, जैसे कि किसी बच्चे का नाम है राहुल, तो वो पर्सन है, तो वो क्या होगा? नाउन। और हिंदी में राहुल क्या होगा? संज्ञा। इसी तरह पटियाला, पटियाला क्या है? एक जगह का नाम है, ठीक है। तो पटियाला क्या होगी? एक प्लेस हो गई, जगह हो गई, तो उसके नाम को भी हम क्या बोलेंगे? संज्ञा। इसी तरह कुर्सी, कुर्सी क्या है? चेयर जिसे हम बोलते हैं, तो चेयर क्या है? एक वस्तु है, वस्तु यानी कि एक थिंग है, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? संज्ञा। तो संज्ञा शब्द जो होते हैं, वो नाम वाले शब्द होते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, व्यक्ति यानी कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य, वस्तु, वस्तु यानी कोई भी चीज़, स्थान यानी कोई भी जगह, या भाव, भाव क्या होते हैं? हमारी फीलिंग्स जो होती हैं, का बोध, बोध मतलब होता है जो हमें उनसे, उनके बारे में जानकारी दे, जो हमें उनके बारे में जानकारी दे, उसे हम कहते हैं बोध कराना। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो आपने इसे अच्छे से लर्न करना है, बार बार दोहराई से, रेपिटेशन से इसे पढ़ना है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, उदाहरण से समझेंगे। जैसे राजू, राजू क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। मीरा, मीरा भी किसी व्यक्ति का नाम है। गेंद, गेंद क्या हो गई? बॉल, बॉल मैंने कोई चीज़ है, वो कोई वस्तु है। फल, फल भी क्या है? हमारी एक वस्तु है, फलों के नाम। जैसे पुस्तक, पुस्तक क्या होती है? किताब। पेड़, कुर्सी। खुशी, खुशी क्या हो गया? हमारा भाव। जैसे खुशी कभी किसी को दिखती नहीं है, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? उसे महसूस कर सकते हैं कि मैं आज खुश हूँ। तो अगर कोई पूछे कि दिखाओ अपनी खुशी, तो हम अपने भावों से दिखाते हैं, हंस के, बोल के, नाच के, गा के, कि आज हम खुश हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि खुशी को कुर्सी पे बिठा दो, तो खुशी ऐसे हमें दिखाई नहीं देगी, खुशी एक भाव है। ऐसे ही गुस्सा, गुस्सा भी क्या है? गुस्सा किसी को नज़र नहीं आता है, हाँ अपने भावों से उसे प्रकट करना पड़ता है। जैसे कि हमें जब गुस्सा आता है, तो हम किसी से बात नहीं करते, ठीक है, हम एक अलग कमरे में जाके बैठ जाते हैं, या फिर चिल्लाते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह से अपना गुस्सा जो है वो व्यक्त करते हैं। दिल्ली, दिल्ली एक जगह का नाम है, यानी कि एक स्थान है, दिल्ली प्लेस है। पटियाला, पटियाला भी एक जगह, स्थान, प्लेस है। तो किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, या स्थान का नाम हो, या फिर वो कोई भाव हो, उसे हम संज्ञा कहेंगे। आगे क्या है? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। भेद मतलब टाइप्स। There are 5 types of nouns. संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सी संज्ञा होती है बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा? व्यक्ति, जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि उसमें कोई विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति मैंने कि जैसे मैं बोलूँ सड़क पर लड़का जा रहा है, तो वो कोई विशेष नहीं है, क्योंकि लड़का तो कोई भी हो सकता है, बहुत सारे लड़के होते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सड़क के ऊपर सचिन तेंदुलकर जा रहा है, तो सचिन तेंदुलकर जो है वो क्या है? एक विशेष व्यक्ति है, एक फेमस पर्सनैलिटी है वो। ऐसे ही वस्तु,
वस्तु होती है कोई भी चीज़, ठीक है, जैसे कि लाल पेन हो गया, ये मेरी एक वस्तु है, कुर्सी है, किताब है। ऐसे ही स्थान, विशेष स्थान, जैसे मैं बोलूँ मैं घूमने गई तो मैं कहीं पे भी घूमने जा सकती हूँ, उसमें कुछ भी विशेष नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं दिल्ली घूमने गई तो दिल्ली एक विशेष स्थान का नाम है, विशेष जगह है, तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आएंगे। ऐसे ही सेकंड है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या है, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु, जैसे कि चिड़िया है, कुत्ता है, कोई भी जीव आ सकता है उसमें। ऐसे ही श्रेणी, जैसे कि श्रेणी क्या होता है, वैसे तो श्रेणी हम क्लास को बोलते हैं लेकिन कैटेगरी को भी बोल सकते हैं हम श्रेणी, जैसे कि जानवर, तो जानवर क्या है, एक श्रेणी है, एनिमल्स एक कैटेगरी है। इसी तरह कोई भी जाति, जैसे कि बोलूँ मैं चिड़िया, चिड़िया एक जाति है, पक्षियों की जाति में चिड़िया आती है, कोई भी जीव जंतु हैं, ठीक है, तो वो क्या आएंगे, जातिवाचक में। आगे हम इन्हें उदाहरणों से पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगी। थर्ड है भाववाचक संज्ञा। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, भाववाचक संज्ञा यानी कि हमारे भाव, हमारे इमोशंस, जैसे कि गुण। गुण क्या होते हैं, किसी भी व्यक्ति में कोई गुण हो सकता है, जैसे कि कोई व्यक्ति अच्छी पेंटिंग्स बना सकता है, कोई व्यक्ति कविता अच्छी लिख सकता है, ठीक है, वो हमारे गुण हैं। दशा, दशा होती है हमारी सिचुएशन, जैसे कि अभी हम बहुत खुश हैं, कल मैं उदास थी, आज मुझे गर्मी लग रही है, अवस्था, कंडीशन कैसी है। धर्म, ये सारे क्या हैं, हमारे भाव हैं। भाव में क्या आ सकता है, जैसे कि दया, दयालु, कोई ये राजा बड़ा दयालु है, तो दया क्या है, उसका भाव है। ये इंसान बहुत ही खुश मिजाज है, यानी कि वो खुश रहता है, तो खुशी क्या है, उसका भाव है। इसी तरह से द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, बेटा हम किसे बोलते हैं, द्रव्य मटेरियल, रॉ मटेरियल होते हैं, यानी कि कच्चा सामान होता है जो कंप्लीट नहीं होता है, उससे कोई नई चीज़ें बनती हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है जिनसे नई वस्तु बनती है, द्रव्यवाचक में आ जाएगा। जैसे कि सोना, गोल्ड जिसे हम बोलते हैं, अगर गोल्ड का एक टुकड़ा होगा तो सिर्फ वो सोना है, लेकिन अगर हम उसकी शेप और डिज़ाइन चेंज करके एक अपने लिए, मान लीजिए हमने कोई रिंग बनाई है, अंगूठी बनाई है, तो वो किससे बनी है, सोने से। इसी तरह आप देख सकते हैं, देखिए ये क्या है आपके सामने, कुछ मेज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मेज़ किस चीज़ के बने हुए हैं, लकड़ी के और लोहे के। तो लकड़ी एज इट इज़ पेड़ से तो हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जब उसको काट के, जैसे कि लकड़ी के पेड़ों को काट के हमने अलग अलग आकार दिया है, तो हमारे पास ये क्या बने हैं, टेबल्स बने हैं, यानी कि ये मेज बने हैं। तो मेज किससे बने हैं, लकड़ी से। इसी तरह से वो आप सामने बोर्ड देख सकते हैं, ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड भी किससे बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है, और थोड़ा सा लोहा भी है उसमें, ठीक है। और ऐसे ही ये सामने आपको नोटिस बोर्ड पे एक कागज़ लगा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये कागज़ किससे बनता है, पेड़ों से, घास से, ठीक है। तो उसके बाद द्रव्यवाचक वो चीज़ें होती हैं जिनसे कोई नई वस्तुएँ, जैसे प्लास्टिक है, हमने कोई कुर्सी बनाई है तो वो किससे बनी है, प्लास्टिक से। आप ये पेन देख सकते हैं, ये पेन आपको किससे बना हुआ नज़र आ रहा है, प्लास्टिक से। प्लास्टिक को अलग अलग कलर, शेप, डिज़ाइन में ये पेन बना हुआ है। तो द्रव्यवाचक वो चीज़ें होती हैं जिनसे कोई नई चीज़ बनती है, जैसे कि कपड़ा। अब हम ऐसे ही कोई कपड़ा तो अपने शरीर पे लगा के नहीं जाते ना, हम उस कपड़े को काटते हैं, उसकी सिलाई करते हैं, फिर हमारे जो सूट हैं, साड़ी हैं, शर्ट है, पैंट है, वो सब कुछ बनता है। तो वो हो गया द्रव्यवाचक। नेक्स्ट है समूहवाचक। समूह होता है ग्रुप। जब बहुत चीज़ें इकट्ठी ग्रुप में हों तो वो समूह में आ जाती हैं, जैसे कि कक्षा, क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं ना, कक्षा में कोई एक विद्यार्थी तो होता नहीं है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कक्षा क्या है, एक समूह है। ऐसे ही आर्मी, फौज यानी कि सेना। फौज में कभी एक जवान नहीं होता, बहुत सारे जवान होते हैं, तो किसी भी समूह को, समुदाय को, जत्था हो, मंडल हो, वो सारा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। अगर आप इसको अच्छे से बार बार दोहराई से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको मुश्किल नहीं लगेंगी। अब हम
हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं हम उन्हें उदाहरण से पढ़ेंगे, यानी कि एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। फर्स्ट देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने क्या बताया था, कोई भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान। तो महात्मा गांधी, हमें पता है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं उनका नाम महात्मा गांधी है, ही इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन। सो महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति हैं। शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह भी क्या हैं, हमारे देश के एक स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर हैं। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद एक बिल्डिंग है, सभी बच्चों को पता है, फेमस बिल्डिंग है जामा मस्जिद। कंप्यूटर, कंप्यूटर एक विशेष मशीन है, विशेष वस्तु है। तो विशेष जो बहुत खास होंगे उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे। जातिवाचक संज्ञा में बेटा कोई भी जाति आती है, जैसे कि सब्जी, सब्जी वेजिटेबल्स की एक कैटेगरी है, सब्जियों की जाति है। इसमें हम आलू, जैसे मैं आलू लिख दूँ तो आलू किस श्रेणी में आता है, सब्जियों में। फल में अगर मैं सेब लिख दूँ तो सेब फलों की श्रेणी में आता है, फलों की जाति में आता है। ऐसे ही बच्चे, बच्चे कौन सी कैटेगरी में है, मनुष्य जाति में आते हैं। किताब कागज़ों की कैटेगरी में, वस्तुओं की कैटेगरी में है। कुत्ता जानवरों की कैटेगरी में। द्रव्यवाचक, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था, जिनसे कोई नई चीज़ बनती है, जैसे कि सोना, सोने से हमारे जो जेवर हैं, गहने हैं, वो बनते हैं। चांदी, लकड़ी, लकड़ी से हमारे अलग अलग घर में चीज़ें बनती हैं, जैसे कि दरवाज़े, मेज़, कुर्सियाँ, सोफ़ा, बेड, अलमारी, ये सभी चीज़ें लकड़ी से बनती हैं। लोहा, लोहे से जैसे कि हमारे घरों की खिड़कियाँ होती हैं, दरवाज़े होते हैं, और जो हमारे घरों पे जितने भी पाइप्स होती हैं, नल होते हैं, वो सारे लोहे के बने हुए हैं। दूध, दूध भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि दूध से भी क्या बनता है, दूध से दही, मक्खन, पनीर, मिठाइयाँ, घी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दूध से बनती हैं, तो दूध भी एक द्रव्यवाचक है। मिट्टी, मिट्टी से भी आपको पता है, मिट्टी से बहुत सारे जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं, ठीक है, मिट्टी हमारे खेतों में ज़रूरी होती है खेती करने के लिए, और मिट्टी की दीवारें बनती हैं, घर बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, ठीक है, मिट्टी के छोटे छोटे पॉट्स बनते हैं, सजावट का सामान बनता है। इसी तरह आगे है समूहवाचक। समूह होता है बेटा ग्रुप, जो चीज़ अकेली ना हो, ग्रुप में हो, जैसे कि कक्षा, क्लास, जैसे कि आपकी क्लास में 82 स्टूडेंट्स हैं, तो वो एक 82 विद्यार्थी, 82 विद्यार्थियों का एक समूह है। परिवार, अभी परिवार में कोई एक मेंबर नहीं होता, परिवार में बहुत मेंबर होते हैं, जैसे कि हमारे परिवार में मम्मी हैं, पापा हैं, दादा दादी हैं, भाई बहन हैं, तो वो क्या है, एक समूह है। अगर सड़क पे हम सभी इकट्ठे जाते हैं तो हम ऐसे नहीं बोलते, वो देखो मेरी मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी, हम कहते हैं मेरा परिवार जा रहा है, मेरी फैमिली जा रही है। सेना, सेना होती है फौज, फौज में भी मैंने आपको बताया बहुत सारे जवान होते हैं। मंदिर, मंदिर में भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, पंडित जी होते हैं, पुजारी होते हैं, वहाँ पे जो लोग आने जाने वाले हैं वो होते हैं, सफाई करने वाले लोग भी होते हैं वहाँ पे, ठीक है, प्रसाद बांटने वाले भी होते हैं, दुकानों वाले भी होते हैं, तो मंदिर भी एक समूह है। तारे, जैसे आसमान में आप देखते हो बहुत सारे तारे होते हैं, तो स्टार्स जो हैं वो भी क्या हैं, समूहवाचक संज्ञा है। आगे है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा होती है हमारे भाव, हमारे इमोशंस, जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, जैसे कि दया। जब हमने एक गरीब को सड़क पर भीख मांगते देखा तो मुझे उस पर दया आ गई, तो दया क्या है, एक भाव है। प्रेम, प्रेम होता है प्यार। जब मैंने इस छोटे से प्यारे से बच्चे को देखा तो मुझे उस पर प्रेम आया। गुस्सा, जब बच्चे कक्षा में बहुत शरारत कर रहे थे तो अध्यापक को उन पर गुस्सा आ गया, तो गुस्सा क्या है, एक भाव है। ये भाव जो होते हैं ये हमें किसी के चेहरे से, उसके इशारों से, उसकी हरकतों से, उसके हाव भाव से पता लगते हैं। जैसे कि सुंदर, सुंदरता एक भाव है। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, एक भाव है, अवस्था है एक हमारे शरीर की। सफलता, सफलता क्या है, सफलता कैसे होती है, जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं अपनी परीक्षा में सफल हो गई तो मुझे सफलता कैसे दिखेगी, मेरे मार्क्स से, जो मेरे मार्क्स आएंगे, जो मेरे नंबर आएंगे, जो मेरी क्लास में पोजीशन आएगी। अच्छाई, अच्छाई क्या है बेटा, एक भाव है, ठीक है। तो ये आपकी उदाहरणें हैं, ये मैंने इसीलिए दी हैं ताकि आपको सारे के सारे जो भेद हैं वो अच्छे से समझ आ जाएं। अगर आपको ये कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो कभी भी आप मुझसे कुछ भी दोबारा पूछ सकते हैं। इस वीडियो को दोबारा से प्ले कर सकते हैं, इसको बार बार सुनेंगे तो आपको चीज़ें और भी बेहतर और अच्छे से समझ में आ जाएंगी।
तो बेटा अब आपके होमवर्क की बात है, तो आपने अपनी नोटबुक में क्या करना है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो इन चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सके, ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो आपको ये जो है संज्ञा, प्रश्न और उसका उत्तर, संज्ञा किसे कहते हैं उसकी उदाहरणें, ये संज्ञा के 5 भेद हैं, इनमें क्या क्या आता है, ये पिंक पेन से मैंने इसके सामने लिखा है। उसके बाद इन 5 भेदों की उदाहरणें हैं। तो आप जो ये वाला पेज है, ये सारी चीज़ों को अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखेंगे, और ये चीज़ें आप सिर्फ समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसे अच्छे से याद करें और ये लंबे समय तक आपको याद रहे, तो आप ये भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। इन उदाहरणों से ये जो भेद हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ हिंदी क्लास। आज हमने व्याकरण में संज्ञा, जो हमारा एक टॉपिक है, विषय है, इसे कंप्लीट किया है। थैंक यू क्लास, एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।